लाहौर हाई कोर्ट से अपूरी जमानत में तौसी के बाद साबिक वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक एक मरतबा फिर हुकूमत पर चढ़ दौड़े। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बोले कि जिसकी अपनी इंक्वायरी चल रही है वजीर आजम बने बैठे हैं, इमरान खान के कहने पर मुझ पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। इमरान खान साहब फरमाते हैं कि शहबाज शरीफ साहब पर नैब की इन्वेस्टिगेशन है, वो पीएसी के चेयरमैन नहीं हो सकते। ये दुरुस्त इसलिए नहीं है कि पहली बात यह है उनके अपने वफाकी वुज़रा उन पर नैब की इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो फेडरल कैबिनेट में बैठे हुए हैं। साद रफीक का मजीद कहना था कि नैब के पास हमारे खिलाफ कोई सबूत नहीं, कैसर अमीन बट को गलत गिरफ्तार किया गया, वादा माफ गवाह का झूठ बोला गया। अब इन्होंने कैसर अमीन बट साहब को गिरफ्तार किया हुआ पिछले 3 हफ्ते से। इन्होंने वो मरीज हैं, बीमार हैं, उनके और भी बहुत सारे मिसाइल हैं। ट्रीटमेंट दी कैसर बट साहब ने, वो स्टेटमेंट वादा माफ गवाह की स्टेटमेंट नहीं थी। नैब लाहौर मुसलसल झूठ बोलता रहा। इस मौके पर लीगी कारकुनों की बड़ी तादाद भी मौजूद थी, जबकि अदालत की सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। कैमरामैन मोहम्मद अयूब के साथ उमर शाकिर, लाहौर न्यूज़।